कैंपस प्रोग्राम च तुहाडा सब दा स्वागत है। अज असीं तुहानूं लैके चल रहे हां गुरु नानक मिशन पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल टाहां कलेरा SBS नगर। इस स्कूल गुरु नानक मिशन मैडिकल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट वालों चलाया जा रहा है। गुरु नानक मिशन मैडिकल एजुकेशनल ट्रस्ट जिस दे फाउंडर सरदार बुद्ध सिंह टाहां सन, जो कि 20 साल अपनी जिंदगी कैनेडा विच बिताने तो बाद सन 1979 दे विच भारत परते एक ख्वाब लैके, और उन्हां दा ख्वाब सी गरीब और बेसहारा दे लई वधिया तो वधिया विद्यक और सेहत सहूलतां प्रोवाइड करनियां। गुरु नानक मिशन पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल जो कि इस ट्रस्ट तहत चल रहा है, गुरु नानक मिशन मैडिकल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट दी मैनेजिंग कमेटी अपने स्कूल स्टाफ दा बेहद ध्यान रखती है और उन्होंने पूरा पूरा सहयोग देती है। साड़ी टीम ने इतों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इस स्कूल के प्रिंसीपल नाल गलबात की, उस दे नाल नाल उन्होंने वाइस प्रिंसीपल नाल भी गलबात की, जिन्होंने सानू गुरु नानक मिशन पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल टाहां कलेरा बारे विस्तृत जानकारी दी। दानी है स्कूल जिहड़ा पिछले लंबे समय तो सेवावां दे रहा, और कोरोना के एपीडेमिक दे विच भी जदों कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आईया, पर इस स्कूल ने ऑनलाइन स्टडी के नाल बच्चों को अपने बंधी रखिया। हुण ऑफलाइन हो गया है, हुण भी सेवावां चल रही ने, क्योंकि इस स्कूल दे विच ऑनलाइन कोई नई चीज़ नहीं सी। पहले स्मार्ट क्लासरूम तो ऑनलाइन सेवावां जिहड़ियां इस स्कूल दे रहा सीगा। की कहना चाहो? स्कूल दे विच कोविड दे टाइम दे विच साडे टीचर्स वालों, साडे पूरे ट्रस्ट वालों पूरा एफर्ट किया गया ताकि बच्चों की स्टडी के उत्ते कोई भी माड़ा प्रभाव ना पै सके। ऑनलाइन क्लासेस लगाईया गई, बच्चों की 100% स्टडी के उत्ते फोकस किया गया। हुण कोविड परमात्मा की दया है कि काफ़ी घट गया, उम्मीद करते हैं खत्म भी हो जाएगा, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस के नाल ना ऑनलाइन क्लासेस हुण भी चल रही। जिहड़े बच्चे साडे क्लासेस दे विच नहीं आना चाहते, हले भी माँ बाप जिहड़े थोड़े बच्चों वास्ते वरिड है, उन्होंने वास्ते साड़ियाँ क्लासेस दोनों मोड पर चल रही, हाइब्रिड टीचिंग चल रही है स्कूल दे विच। और स्कूल दे विच ट्रस्ट वालों 100% सहयोग किया गया बच्चों की स्टडी के म्यार नूं उच्चा चक्कण वास्ते। कंसेशन दिते गए बहुत ज़्यादा, फी का कंसेशन इन्ना क दिता गया ताकि माँ बाप के उत्ते कोई भी ये विद्या जिहड़ी है ये बोझ ना लगे, वो खुशी खुशी इस चीज़ के इनवॉल्व होन। साडे बच्चों की सेहत के पक्षों इन्ना ध्यान रखा जाता है कि कोई भी बच्चा अगर हल्का जिहा भी बीमार हुंदा उहदे वास्ते ट्रस्ट वालों हॉस्पिटल दे विच हर तरह की सुविधा उन्होंने प्रोवाइड की जाती है। मैडम, इस स्कूल जिहड़ा ऑलराउंडर है, चाहे आप कल्चरल एक्टिविटीज की गल कर लिए, गेम्स की गल कर लिए, करैक्टर बिल्ड की गल कर लिए, अकैडमिक्स की गल कर लिए, तो यह स्कूल ऑलराउंडिंग डिवेलपमेंट के उत्ते ज़्यादा ध्यान दिंदा। और जिस तरीके नाल तुसीं टीचर्स नूं कौंसल करदे हो सुबह आके भी, भाई आप विद्या का दान देना, आप बच्चे जिहड़े हैगे आ बड़े औखे अज जिहड़े हैगे कमाइयां माँ बाप दीआं, उन्होंने एक वधिया नैटवर्क जिहड़ा इत्थे मिल रहा स्कूल च। बिल्कुल जी बिल्कुल, साढ़े सारे टीचर अपने वालों 100% एफर्ट कर रहे हैं। बच्चों के एग्जाम जिदा हूँ असी स्टडी के जो भी बच्चों प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक असी उन्होंने वास्ते स्मार्ट क्लासेस तो चलाईया ही हुई हैं। इस तो इलावा साड़ी एक होर क्वेस्ट ऐप भी चल रही है जिदे बच्चों के वास्ते टीचर्स जिहड़े क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं ऑनलाइन, और बहुत ही वधिया तरीके दे नाल उन्होंने कोल एक ऑप्शन है कि बच्चा अपने सैल्फ स्टडी कर सकता है, अपने सेल्फ टेस्ट कर सकता है, टीचर इवैल्यूएट करने हेल्प करता है। ऑनलाइन क्लासेस के नाल नाल ऑनलाइन टेस्ट का प्रोविजन बेस्ट चल रहा है। इस तो इलावा साडे आइकन ऐप चल रही है जिसके उत्ते माँ बाप जिहड़े हो बच्चे की जो भी प्रोग्रेस है उसके बारे सारी इनफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। मैडम, जिदा अज रुझान जिहड़ा बच्चों का बाहर जाने का हो गया, उन्होंने देखते हुए यह स्कूल जिहड़ा हैगा इंग्लिश स्पीकिंग के लिए गल कर लिए, इंग्लिश के विच राइटिंग की गल कर लिए, उन्हां दी कम्यूनीकेशन स्किल्स की गल कर लिए, जिस तरीके दे नाल तुसीं उन्हां नूं बहुत अच्छे तरीके दे नाल अटैच करते हो कि वह बच्चों ने कल का जिहड़ा भविष्य हैगा उन्हां नूं इंग्लिश स्पीकिंग के उत्ते बिल्कुल ज़्यादा जोर दिता जाए, जिहदे नाल बच्चों का मैंटल डिवेलपमेंट भी होवे, और उन्होंने क्योंकि अगे आने वाले समय के नवे देशों जाके अगर उन्होंने सेवावां करनियां, क्योंकि ये बेल्ट जिहड़ी हैगी NRA बेल्ट। साडे स्कूल वास्ते बड़ी माण दी गल है कि जिहड़े बच्चे साडे कोल पढ़ के जांदे है उन्हां नूं आईलेट्स दे कोर्सेस करन दी लोड़ नहीं पैंदी, वो डायरेक्ट पेपर दे के 7 बैंड वैसे ही लै जांदे है। ये साडे लई बहुत बड़ी चीज़ है। साडे स्कूल दे बच्चे 100% कॉन्फिडेंट है इंग्लिश वास्ते, क्योंकि इत्थे जिहड़े टोटल एजुकेशन है वो इंग्लिश मीडियम च ही प्रोवाइड की जाती है,
और अगर तुसी साडे बच्चियां नू देखो नो डाउट फॉरन दे विच जा के तो अपनी अचीवमेंट्स जिहड़ियां उन्हां दियां हैगियां ही हैं वो इंडिया दे विच रह के भी अच्छियां मल्लां मार रहे हैं अलग अलग एरियाज दे विच इंजीनियरिंग कॉलेजेस दे विच नर्सिंग दे विच मैडिकल दे विच हर फील्ड दे विच बच्चियां दी अचीवमेंट एक मिसाल कायम करन वाली है। सो सानू इस चीज़ ते माण है कि साडे बच्चे जे साडे टीचर एफर्ट कर रहे ट्रस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे तो इस दे नाल नाल साडे बच्चे बहुत अच्छे कीर्तिमान स्थापित ऑलरेडी कर रहे। मैडम जिस तरीके नाल एक फैमिली एटमोसफेयर तुसी दे रहे हो जिस तरीके नाल मैनेजमेंट है जी भी फैमिली एटमोसफेयर वांगू ही अटैच कर रहे हैं टीचर्स नूं और तुसी टीचर्स नूं उदा अटैच कर रहे हो कि कोरोना दे एपीडेमिक जिदा तुसी कहा भी किसी की पे नहीं रुकेगी किसी नूं परेशानी नहीं आएगी चाहे कोई फीस माफ करन वाले बंदे सीगे जिवें लोकां दे स्कूलों दे विच आपां देखदे सीगे कि किते धरने लगे आ किते कोई लोग नैगेटिव हो रहे हैं लेकिन यह स्कूल जिहड़ा विद्या दा दानी स्कूल है और पेरेंट्स भी बड़े कंप्लीमेंटरी ने तुहाडे नाल क्योंकि उन्हां नूं पता कि यह स्कूल वाकई विद्या दे रहे। देखो साडे ट्रस्ट दी ये बहुत बड़ी सिफत है साडे प्रेजिडेंट सर सरदार हरदेव सिंह जी कामा वो इस वेले भी जबकि ये पोस्ट कोविड दौर एक तरह चल रहा है वो भी उन्होंने हूँ जिन्हें गरीब बच्चे है फादरलैस केसिस है या कोविड ना अफेक्टेड फैमिलीज है उन्होंने बच्चों वास्ते उन्होंने स्कॉलरशिप अपने जेब विचों पूरी की है मतलब ये साडे लिए बहुत बड़ी गल है कि साडे ट्रस्ट मैंबरस बच्चों की स्टडी लिए इन्ने कंसर्नड है। नो डाउट साडे स्कूल दे विच 45 लख रुपया जिहड़ा कोविड टाइम दे विच कंसेशन विच दिता गया लेकिन हुण भी जदों कि नॉर्मल अप्रोक्सीमेटली सारा जिहड़ा सिस्टम है वह नॉर्मलाइज हो चुका है फिर भी बच्चों के रिक्वायरमेंट नू देखते हुए उन्होंने अपने वालों बच्चों नू स्कॉलरशिप अनाउंस की है और वो पेमेंट वो अपने कोलों दे रहे हैं फीस। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। वाइस प्रिंसीपल साहब जिस तरीके दे नाल असीं देख सकते हैं कि छुट्टी का टाइम आ पर एनर्जी लैवल पहले असीं प्रिंसीपल मैडम ने गल की तो बड़ी उन्होंने इस वेले अबाउट टू मतलब है होलीडे मतलब छुट्टी होने वाली है और उदे बावजूद भी एनर्जी लैवल तुहाडे सारे टीचर वास्ते बड़े अपने की कहना चाहोगे कि यह जिहड़ी एनर्जी हैगी है ये ढहां कलेरां दी पवित्र धरती है वो करके है क्या सा जो मैनेजमेंट है वो इन्ना क ज़्यादा आप फेवर करती रही है जिद एनर्जी लैवल बढ़े रहेंगे कि तुम मतलब जिंदगी अपनी इस विद्या के दानी संस्था में जोड़ा है दी भी हैगी है कि असं इतने सेवा ही करनी है सेवा करना आए हैं और उस सेवा दे आपू इंजॉयमेंट आती है माइंड में और तुम अगे बढ़ रहे हो। देखो गुरु नानक पातशाह का स्कूल है ये ट्रस्ट है सारा ही जिथे गल गुरु नानक की हो रही है जिथे उन्होंने आपका स्कूल ट्रस्ट हो पॉजिटिविटी का नेचुरल आ क्योंकि गुरु नानक गुरु साहब तो अलावा बेस्ट बड़े फिलोसफर भी रहे हैं तो जे असी गल स्कॉलरशिप की गल करिए असी वधिया एनवायरमेंट की गल करिए ट्रस्ट का जिहड़ा बहुत वड्डा साडे लिए एक माण वाली गल आ कि सानू एनवायरमेंट इदां दा दिता कि असी शाम तक इदां ही साडे अंदर पॉजिटिविटी भरी जाती है। सो टाइम टू टाइम समय समय सानू आ के टाइम देंदे ने ट्रस्ट वाले ठीक है कि नहीं प्रेजिडेंट सर हर मूमेंट के उत्ते साडे दे नाल उन्हां दी जिहड़ी आ इनवॉल्वमेंट आ बाकी प्रिंसीपल मैडम का भी तो बहुत वड्डा योगदान है इस चीज़ में लैके एक स्कूल नू वधिया एटमोसफेयर बना के देण दा। सो जिथे प्रिंसीपल ते मैनेजमेंट उत्थे टीचर्स भी साडे नाल पूरा सहयोग देंदे ने उहदे नाल नाल बच्चों के अंदर भी ये चीज़ा जिहड़ियां ने बहुत जिहड़ियां कहिंदे आपां कह लईए कि पॉजिटिविटी आउंदी बच्चों च भी बाकी गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश जिथे होवे उत्थे कदे भी कुछ माड़ा नहीं हो सकता। सो साडे स्कूल के अंदर गुरु महाराज का प्रकाश हुंदा सो सवेर नूं बच्चे तुसीं देख लो हर समय गुरबाणी दे नाल जुड़न वाले जिहड़ी विचारधारा साडे स्कूल दी सो बच्चे आउंदे ने पहलां दरबार साहब च उपर मत्था टेकदे ने फिर क्लासां च जांदे ने ते इस करके सवेर तों शाम तक साडे अंदर एक टीम वर्क है इह प्रेजिडेंट साहब पूरा समुचा ट्रस्ट प्रिंसीपल इन्हां दा आपदा बड़ा वड्डा योगदान है ठीक है कि नहीं फिर बाकी साढ़े टीचर्स तो इस करके बच्चों तो लैके साढ़े उपरले प्रिंसीपल तक प्रेजिडेंट तक सारे